जल्दी कहे टूट गया, कब खरीदे हो बाइक? ये साल में तो तैयार है। तो एक साल के अंदर वो हेलमेट टूट गया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? सर बेवकूफ हेलमेट कैसे टूटेगा एक साल के अंदर? या तो गिरे होगा तो टूटा होगा। सर वही है, गिरा तो गिरे उसका मतलब और खराब चलाते हो, गिर गया टूट गया तब तो और जरूरी है कि हेलमेट खरीदते। इतने गैर जिम्मेदार आदमी हो तुम, क्या काम करते हो? मैं पापा दुकान, पापा का दुकान चलाते हो? ये आप तुम्हारा है पापा का है? मेरा तुम्हारा है तो खुद खरीद लिए हो, तो कम से कम हेलमेट भी खरीदा करो। ठीक है चलो, अगली बार दिखना नहीं चाहिए मुझे बिना हेलमेट के। यस सर। खोलो खोलो, अंदर है हेलमेट। जी सर। ये क्या कोई संपत्ति है क्या, इसको छिपा के रखे हो? बिल्कुल तहखाने में रखे हो? नहीं सर। ये तहखाने में रखने की चीज है? नहीं सर, पहनने की चीज। बेवकूफ आज देखा ही नहीं मैंने आज तक। नहीं सर वो जल्दी में मैं इसलिए नहीं पहना सर, गलती होगी। सॉरी सर, आइंदा से ध्यान रखूंगा। पहने अभी पहने? जी सर। और अपील भी करें लोगों से कि हेलमेट पहने। जी सर। बोलो बोलो। आप सभी जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहन के चलाएं, हेलमेट को ऐसे लिखिए मैं ना रहे चले। अरे PRESS, ये सही में प्रेस है कि ये दबाने वाला प्रेस है? हाँ कौन से प्रेस से हो? अरे आवाज ही बंद हो गई है मैडम, बताएंगे महात्मा। मैडम ये कौन से प्रेस से हो आप लोग? अरे नहीं हो प्रेस से तो अलग चलान कटेगा, क्योंकि ये लिख के चलना भी गलत है। जो प्रेस की विश्वसनीयता है वो भी खत्म कर रहे हो आप लोग। ऐसे प्रेस लिख के चलना अलाउड है क्या? नहीं सर, तो पास बनता है, जो ऑथराइज्ड है वो ही ले सकता है। तो तुम्हारा कौन सा पास है दिखाओ जरा। हमारे पास में जीजू के पास है। किसका? जीजू। जीजू कौन है? जी और जू? मेरे जीजा। जीजा क्या नाम है उनका? हसमत आलम। किस अखबार के साथ है वो? भिलाई तक। भिलाई तक जी। तो भाई भिलाई तक जब इस्तेमाल करेंगे तभी ये प्रेस लगा के घूमना है। ठीक है, तो रायपुर जा रहे हो भिलाई तक से? भिलाई तीन सिरसा गेट में रहते। सिरसा गेट में रहते हो। गाड़ी किसकी है? वही जीजू की है। जीजू की गाड़ी है, जीजू की गाड़ी लेके निकले हो जी। और हेलमेट लगाना अलाउड है? जीजू को भी हेलमेट लगाना है, समझ में आ रही है बात? और जिसको गाड़ी देंगे उसको भी लगाना है। तो पुलिस हो प्रेस हो सभी को ट्रैफिक नियम का पालन करना है। ठीक है, उल्टे इसको लगाने से और बदनामी है, कोई नाम नहीं है। इसको लगाने से क्या फायदा है बताओ? कोई फायदा नहीं है। पकड़े गए तो अपने साथ प्रेस कई बदनामी कर दी तुमने, और लगाए अगली बार से। ठीक है चलिए, जीजू को बताइएगा SP साहब बोले हेलमेट सबके लिए जरूरी है। चले हाँ, हेलमेट खरीदे हो? कहाँ है? भिलाई तीन तक जाना था। तो भिलाई तीन का तो छूट है क्या? भिलाई तीन को अलग कानून से नहीं चलता भाई? नहीं, थोड़ा जाना था इसलिए नहीं लेके। हाँ थोड़ा जाना था इसलिए नहीं लेके। थोड़ा जाने में ना परमानेंट चले जाओगे। चलिए लगाएं। कहाँ जा रहे हो? रायपुर जाने के लिए हेलमेट भी चाहिए। ट्रैफिक नियम का कोई पालन तो करते नहीं हो, दो चश्मा रखे हो, हेलमेट तो एक रख लेते। और मैडम आप कौन है? लड़की है मेरी। लड़की है, बिटिया है? बिटिया आपको पापा को समझाना चाहिए पापा हेलमेट पहने। हाँ आप हेलमेट पहनते हो नहीं पहनते? आप भी पहनो, पापा को भी समझाओ। चलिए ये तो टेढ़ा हो गया, तो गिरे हो क्या कभी? नहीं, गिरे नहीं, वो बच्चों तो कर दिया। नमस्ते नमस्ते, हेलमेट का नियम है आपको पता है? कब से अवेयरनेस फैला रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोग तो अवेयर हो ही नहीं पा रहे हो। आप लोग को कौन सी भाषा समझते हो? हिंदी नहीं समझते? क्या इंग्लिश वाले लोग हो क्या आप लोग? हिंदी वाले। हाँ हिंदी में कब से समझा रहा हूँ हेलमेट पहना करें, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को।
वहाँ पता है 9 लोग मर चुके हैं डबरा पारा में सामने एक्सीडेंट में, पता है? पहना करो यार। जी जी चलिए शुक्रिया। देखो रॉन्ग साइड आ रहा है बिना हेलमेट के, क्या लोग हैं ये लोग। कहाँ है हेलमेट? हेलमेट हाँ, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारी भाई तो नियम क्या, कौन सी भाषा में समझेंगे आप लोग समझाने से? हिंदी में सर। हाँ पहन लेंगे पहने जी। जनाब कहाँ है हेलमेट? क्या काम करते हो? इतने इतनी चाबियाँ रखे हो? जी सर अभी ले लेते हैं। संभालने वाला कोई नहीं बचेगा? नहीं नहीं अभी ले लेते हैं। चलिए। अरे भाई ये किसका सिंबल है, ये क्या है? महादेव। भैया महादेव भी बोलते हैं, सुरक्षा को पालन करना है। हाँ भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। क्यों नहीं लगाते हो हेलमेट? भूल गया। हाँ भूल गया भूल गया भूल गए। मोबाइल रखे हो? हाँ। मोबाइल तो कभी नहीं भूलते हैं। मोबाइल कहीं सुरक्षा नहीं करेगा, सुरक्षा करेगी हेलमेट। लगाएं चलिए। अरे भाई ये देखो ये क्या है, सीधा कान के अंदर। जनाब एक तो हेलमेट नहीं पहनते हो, गाने सुनते हुए चलाते हो। नहीं गाना नहीं सुना क्या? ये कान में लगाने के लिए रखे हो, फोन के लिए। फोन उतर के बात करना होता है, चलाती चलती गाड़ी में बात नहीं करना होता। जी सर। कोई नियम नहीं फॉलो करते हो, काले कपड़े काले चश्मा काले बाल, लेकिन हेलमेट काले नहीं है। हेलमेट तो है ही नहीं, तो काले और गोरे क्या। लगाओ हेलमेट चलो। तभी आप लोग क्या बोलूं भाई, कितने का बाइक लिए हो? 1,45,000 की बाइक लिए हो यार, तो हेलमेट भी खरीद लो। कब लगाओगे? हाँ अगली बार लगा देंगे। यार कितना समझाता हूँ यार, समझ ही नहीं आता आप लोग को। अब चाहते हो घर में नोटिस चस्पा करूँ? अब मैं पता क्या करूँगा, मैं बता रहा हूँ। अब जो मुझे बिना हेलमेट के दिखेगा उसका एक नोटिस लेके उसके घर में चस्पा करूँगा, जिससे कि घर वाले वो मरे तो फिर आए नहीं हमारे पास कि घर वो मर गया हमारा आदमी। समझाता हूँ यार, समझते नहीं है। चले क्या हुआ भाई, धूप से बचने के लिए इतना प्रोटेक्शन और सड़कों बचाने के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, गलत बात है ना यार। चलिए परेशान कर दिए लोग यार, लड़ाई है। अरे रोको रोको रोको, घर आ जाइए। कुछ नहीं है, दो माइक गिर गया, दो माइक गिरा है। ये वाला माइक तो नहीं अपना, बंद कर दो। एक माइक और गिर में है, हाँ ये अपना है।